दोस्तों आज हम जानेंगे कि सूखी बर्फ क्या होती है और वो डेंजरस क्यों होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। सूखी बर्फ को अंग्रेजी में ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ड्राई आइस सामान्य बर्फ के तुलना में बहुत ठंडी होती है। उसके सतह का तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्राई आइस में गीलापन नहीं होता है। ड्राई आइस को उष्णता देने से उसका रूपांतरण तरल पदार्थ में होने की बजाय गैस में होता है, इसलिए उसे ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस ड्राई आइस में बदल जाता है। ड्राई आइस को बड़े ब्लॉक्स में या छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है। ड्राई आइस बहुत ठंडी होने के कारण उसका कूलिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज, प्रयोगशाला, फैक्ट्रीज, मेडिकल, ऐसे अनेक क्षेत्रों में उसका कूलिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही ड्राई आइस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है, इसलिए उसका उपयोग थिएटर में कोहरे का इफेक्ट दिखाने के लिए भी किया जाता है। ड्राई आइस खतरनाक क्यों होती है? ड्राई आइस इतनी जहरीली नहीं होती, लेकिन वो बहुत ठंडी होने के कारण उसे बिना किसी सुरक्षा के छूना डेंजरस होता है। उससे हमें हिमदाह हो सकता है, क्योंकि ड्राई आइस हमारी त्वचा के संपर्क में आने से कोशिकाएं ठंड से मर जाती हैं। साथ ही ड्राई आइस को एयरटाइट कंटेनर में रखना डेंजरस होता है, क्योंकि ड्राई आइस लगातार गैस में परिवर्तित होती रहती है, जिससे कंटेनर में गैस का दबाव बढ़ने से विस्फोट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।